दो तीन बातों की आप लोग याद रखें, सैनिटाइज हो जाएगा, सफाई रखना आपका काम है। उसके बाद में तीन चीजों का ख्याल जरूर रखें, जब आप घर से बाहर निकलें तो मुंह अपना बांध के ही निकलें, दूसरा भीड़ में ना जाएं, एक एक मीटर की दूरी रखें, और अगर किसी कारण भीड़ में गए या ऐसी जगह गए, जैसे आप लौटो हाथ आपका जरूर आप धोएं। इसके अलावा स्वच्छता और सफाई अपने हाथ में है, सैनिटाइजेशन तो हो सकता है लेकिन स्वच्छता और सफाई अपने हाथ में है। अगर हर एक अपनी खुद की जिम्मेवारी ले ली तो हम लोग ये सफाई रख सकते हैं, बीमारियां दूर रख सकते हैं। सरकार मजबूती से साथ खड़ी है, जहां जरूरत है सरकार अपना हाथ बढ़ा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग अपना ख्याल रखें, अपने मोहल्ले का ख्याल रखें, अपने गांव का ख्याल रखें, तो हमारा तहसील स्वच्छ ही रहेगा, साफ रहेगा। हम ये जरूर कहेंगे बटेश्वर नाथ की कृपा और हम लोग का सौभाग्य कि अभी तक एक ही केस मिला, एक परिवार में बेचारी औरत उसका भी नहीं, हम कहेंगे उसकी वजह से नहीं, वो गई थी अस्पताल, अस्पताल से ये लगा, पॉजिटिव निकली है, लेकिन प्रशासन ने एसडीएम साहब को पूरी बधाई इस चीज़ के लिए, डॉक्टर साहब और एसडीएम साहब और सीओ साहब को, कि इस एरिया को वो कवर कर दिया, मोहल्ले को सील कर दिया। और मुझे नहीं लगता है अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसी परिवार में अभी तक पॉजिटिव निकला है और कहीं नहीं, तो इसी में अगर रुक गया और सब बाकी अपने हाथ में है। साथ साथ मैं एक और निवेदन करूंगी, आज तो महामारी है, हम लोग सब इतने परेशान हैं, थोड़ा सा पानी आप जो इस्तेमाल करते हो उसका भी ख्याल रखिए, उतना ही इस्तेमाल करो जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा पानी अगर आप वेस्ट करोगे, पानी की अगर हम लोग किल्लत आई तो सोचिए कितनी परेशानी होगी। सो थोड़ा सा ये दोनों चीज ध्यान रखिए, और अगर हम लोग सब हाथ मिला के इस चीज को करें, ये लड़ाई लड़े, तो ये महामारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अपने हाथ में है और हम होंगे कामयाब अगर हम लोग सब साथ मिलकर स्वच्छता और सफाई रखें। तीन चीज, अपना मुंह बांध के निकले, भीड़ में ना चले, एक मीटर की दूरी बनाए रखें, और जब घर वापस लौटे हाथ मुंह जरूर। राजू राजू
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।